हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर इन्फॉर्मेशन। अभी एक लास्ट 2 वीक से पहले एनआईटी सिलचर यहाँ पे जगह निकली है। नॉन टीचिंग पोजीशंस है, इसलिए मैं सोचा कि ये भी वीडियो आप या ये भी आपके एडवर्टाइजमेंट आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, ताकि अगर कोई एलिजिबल है तो अप्लाई करो। ओके, जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ मैं, बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो नए लोग हैं या फिर जो मतलब जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नए वीडियोस या फिर नए नए पोस्ट आएंगे तो आपको पहले मिल जाएंगे और आप उस हिसाब से देख सकते हो। या फिर अगर आप एलिजिबल हो किसी चीज़ के लिए, या फिर आपका कोई दोस्त कुछ मतलब कोई एलिजिबल है तो आप शेयर कर सकते हो। ओके ओके, तो एडवर्टाइजमेंट के और चलते हैं। तो अभी नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए कुछ जगह निकले थे, रजिस्टर से लेके असिस्टेंट तक। रजिस्टर तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट तक जगह निकली है नॉन टीचिंग सिलचर के लिए एनआईटी असम। ठीक है, तो जो रजिस्टर है उसके लिए एक ही जगह है। रजिस्टर से लेके आप अगर हिंदी ऑफिसर तक देखोगे तो एक एक वैकेंसी है। ओके, जनरल के लिए तो कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, रजिस्टर तो बहुत बड़ी पोस्ट है, तो एज पहले से ही बता दिया मैंने, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा चाहिए। जैसे ये 5 साल के लिए सिर्फ वैलिड है। ओके, ये पोस्ट रजिस्टर के इन्होंने बता दिया, फिर या फिर आपका मतलब 62 ईयर तक होने तक आप वो पोस्ट पे रह सकते हो। मास्टर सबका 50% पे चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब ग्रेड के हिसाब से चाहिए, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस आपका एसोसिएट प्रोफेसर का चाहिए। ओके, अलॉन्ग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है नॉन टीचिंग, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का आपका एक्सपीरियंस चाहिए ही है। ओके, 15 साल का आपको एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस भी चाहिए, जिसमें आपका 8 साल भी एज अ डिप्टी रजिस्ट्रार आपका चाहिए। ओके, तो ये है उसके लिए। ओके, एज लिमिट है 56। उसके बाद में डिप्यूटी रजिस्ट्रार का निकला है, उसका भी सेम है, बस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस थोड़ा कम है चाहिए। ये भी डायरेक्ट मेथड मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट होगा, इंटरव्यूज होंगे सिर्फ। इसका 9 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर, और 3 3 ईयर्स आपका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया हो तो अच्छा है, या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो एक पोस्ट होती है वो भी अगर किसी ने काम किया 5 साल तक, ऑब्वियसली वो सीनियर फैकल्टी होगा, तो अगर कोई है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट होती है उसमें भी यहाँ पे है, और 55% आपके चाहिए। उसके बाद में आपका जो मतलब बोल सकते हैं कि क्वालिफिकेशन एरिया है, एक तो मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लॉ इसमें चाहिए। उसके बाद में आपने मतलब एक्सपीरियंस वर्किंग इन ई ऑफिस, ये भी ज़रूरी है। 35 ईयर आपका मतलब तब तक आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। उसके बाद में लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है, लाइब्रेरियन मतलब एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में, तो इसमें भी आपका मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए, और इसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है यहाँ पे आपका, 3 लगभग 3 ईयर्स आपका चाहिए एक्सपीरियंस। उसके बाद में डिजायरेबल भी उन्होंने बोला है कि हिज डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन डायरेक्टली रिलेवेंट टू लाइब्रेरी साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ होगा, तो आप कर सकते हैं। बाद में मेडिकल ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे जगह है, एमबीबीएस डिग्री ऑब्वियसली आपकी चाहिए, 35 ईयर आपका एज। उसके बाद में हिंदी ऑफिसर जो है उसके लिए भी एक ही वैकेंसी है, इसमें आपका मास्टर डिग्री एक तो हिंदी मतलब यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, 4 5 ऑप्शन दिए उन्होंने। ओके, उसके बाद में अगर आपका बोल सकते हैं कि मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन अदर देन हिंदी और इंग्लिश, लेकिन आपका हिंदी उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए, ओवरऑल ये है कि आपका हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मतलब और वी कैन से इट वुड बी योर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल ऑल्सो। ओके, तो वो अगर होंगे कोई तो वो एलिजिबल है ये पोस्ट के लिए, 35 ईयर्स अगेन। उसके बाद में इसमें अगर हम देखेंगे यस सुपरिटेंडेंट, इसकी भी जगह है, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, ओके, कोई भी फील्ड में मास्टर डिग्री भी चलेगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए मोस्टली मतलब एक्सेल ऑफिस का आपका नॉलेज होना चाहिए, 30 ईयर्स नो एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं। बाद में जो ट्रांसलेटर्स होते हैं
जूनियर हिंदी, तो वो जो है हिंदी ऑफिसर जैसा ही इनका एलिजिबिलिटी है। जो भी एलिजिबिलिटी हिंदी ऑफिसर के लिए, वो लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें भी बीटेक आपका होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा बेस पे भी कर सकते हो, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी वाले वो भी लोग कर सकते हैं। 30 साल तक आपका एज क्राइटेरिया है। बाद में एसएएस असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर, इसके लिए भी यहाँ पे जगह है। एसएएस असिस्टेंट जो है उसके लिए आपका जो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री है वो फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। बाद में आपका स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन स्पोर्ट, जैसे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो हम बोलते हैं, म्यूजिक, फिल्म्स या पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इसमें चाहिए। ओके उसके बाद में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट की, बहुत से लोग एलिजिबल होते हैं इसमें, जूनियर इंजीनियर, अगर आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है या फिर डिग्री भी है, दोनों चलेगा। यहाँ पे आपका मतलब अगर 30 साल से कम आपकी उम्र है तो आप बिंदु अप्लाई कर सकते हैं। ओके उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट है आखिरी पोस्ट, इसमें भी आपका जो है वो 10+2 चाहिए, और आपका जो टाइपिंग स्पीड उसका जो एक ये रहता है मतलब 35 WPM तक आपका चाहिए। ओके स्पीड, टाइपिंग स्पीड, उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो ये जो भी है ये सारे पोस्ट हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक पता चल जाएगा आपको कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है वो ज़्यादा है। ओके उसमें एसएएस असिस्टेंट भी आपका, टेक्निकल असिस्टेंट भी है, तो मिला के 5, 2, 9, 3 और मतलब 17, मतलब लगभग 37 वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी, अगर जो भी लोग जूनियर इंजीनियर या फिर एसएएस असिस्टेंट या फिर टेक्निकल असिस्टेंट में फिट बैठते, क्योंकि वो फ्रेशर्स के लिए, वहाँ पे कोई आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें है इसमें बता देता हूँ। अगर आप 1-4 मतलब जो लाइब्रेरी वाली, डिप्टी रजिस्ट्रार वाली और रजिस्ट्रार वाली जो पोस्ट है, उसके लिए आपको विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा आपके करंट एम्प्लॉयर का, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है। लाइब्रेरियन की भी बहुत बड़ी पोस्ट है ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में। आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ये पीडीएफ का भी और ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी। आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। उसके बाद में ये तो डायरेक्टली आपके इंटरव्यूज ही होंगे। ओके तो आपको जो भी अटेस्टेड कॉपीज उस इंटरव्यू के टाइम पे जो भी होगा, क्योंकि डिपेंड है अभी कैसा होता है क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली इसका इंटरव्यू ही होगा और शायद से ऑनलाइन भी हो सकता है। तो इस हिसाब से ये फॉर्म है। ओके या फिर ये रिक्रूटमेंट है, तो आप इसको मतलब जल्दी से जल्दी अप्लाई करो जो भी एलिजिबल है। ओके ये सारे पोस्ट के लिए, या फिर आपके कोई दोस्त एलिजिबल है तो शेयर करो उनके साथ। ओके सो ऑल द बेस्ट। बाकी आपको सारे इसके जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।